इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने यह केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के उस बयान के आधार पर दर्ज कराया है, जिसमें बाबा रामदेव एलोपैथी के इलाज को बकवास बता रहे हैं और इसे दिवालिया साइंस करार दे रहे हैं। वहीं इस बयान के बाद विवाद के बाद बाबा रामदेव ने फिलहाल अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बाबा रामदेव को अगले 15 दिनों में वीडियो जारी करना होगा और लिखित में माफ़ी मांगनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की डिमांड की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया कि बाबा रामदेव झूठ फैला रहे हैं इलाज के खिलाफ, जबकि एलोपैथी ने कोरोना के दौरान हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है। हालांकि आईएमए ने रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा था और मुकदमा चलाने की भी बात कही थी, जिसके बाद पतंजलि ने बयान जारी कर आरोपों को गलत बताया था। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।